हेलो दोस्तों, आज हम कंपैरिजन करेंगे पोको एक्स टू में और सैमसंग गैलेक्सी A70 में, और साथ में जानेंगे कि दोनों में से बेस्ट फोन कौन सा है। तो बात कर लेते हैं डिस्प्ले से। तो पोको के डिस्प्ले आपको मिलते हैं 6.67 इंच की, और रेजोल्यूशन मिलता है 1080x2400 पिक्सल, और इसमें IPS LCD डिस्प्ले का यूज किया गया है। बात करें सैमसंग के डिस्प्ले की, तो इसमें 6.7 इंच की डिस्प्ले दी हुई है। रेजोल्यूशन है 1080x2400 पिक्सल, और इसमें सुपर अमोलेड डिस्प्ले का यूज किया गया है। डिस्प्ले के मामले में सैमसंग का फोन आगे निकल जाता है। बात करें रैम की, तो पोको में रैम है 6 GB और 8 GB की, और सैमसंग में रैम है 6 GB की। बात करते हैं मेमोरी की, तो पोको में मेमोरी है 64 GB की, और सैमसंग की मेमोरी है 128 GB की। बात करें प्रोसेसर की, तो पोको का प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का है 703G का है। CPU है 2.2 GHz ऑक्टा कोर का, और इसमें 8 नैनोमीटर का फिनफैट, और इसका GPU है 618 का। बात करें सैमसंग का प्रोसेसर की, तो इसमें स्नैपड्रैगन 675 का प्रोसेसर दिया हुआ है। CPU है 2.0 GHz ऑक्टा कोर का, और इसमें 11 नैनोमीटर का फिनफैट, और इसका GPU है 612 का। पोको में प्रोसेसर बढ़िया दिया हुआ है। बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो पोको का है Android 10 और सैमसंग का है Android 9। बात करें बैक कैमरा की, तो पोको में बैक कैमरा क्वाड में है 64 MP+, 8 MP+, 2+, 2 MP का है, और सैमसंग का बैक कैमरा ट्रिपल है 32 MP+, 8 MP+, 5 MP का। बात करें फ्रंट कैमरा की, तो पोको का फ्रंट कैमरा डुअल है 20 MP+, 2 MP का, और सैमसंग का है 32 MP का। बात करें बैटरी की, तो दोनों फोनों में बैटरी सेम है, 45 mAh की बैटरी दी हुई है दोनों में। दोनों में बैटरी टाइप्स नॉनेबल है, दोनों की बैटरी को आप निकाल नहीं सकते, जो कि एक अच्छी बात है। बात करें चार्जर की, तो पोको में है 27 वाट का और सैमसंग में है 25 वाट का। दोनों में टाइप सी का सपोर्ट है, और दोनों में ही 3.5 mm जैक दिया हुआ है। दोनों फोनों में कनेक्टिविटी 3G और 4G के हैं। पोको में एक सिम या दूसरी सिम या SD कार्ड का ऑप्शन है, और सैमसंग में ट्रिपल सिम का ऑप्शन दिया हुआ है। बात करें दोनों की वारंटी की, तो दोनों में सेम है 1 साल की। फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, LED फ्लैश लाइट दोनों में दी हुई है। बात करें कंक्लूजन की, तो पोको में आपको 64 MP क्वाड कैमरा मिलेगा, स्नैपड्रैगन 730G का प्रोसेसर मिलेगा, 27 वाट का फास्ट चार्जर मिलेगा, एंड्रॉयड 10 मिलेगा, और लेस प्राइस है। और सैमसंग की में बात करें, तो इसमें सुपर अमोलेड डिस्प्ले मिलेगी आपको, और 32 MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा। बात करें दोनों फोन की प्राइस की, तो पोको में प्राइस आपके सामने है, और सैमसंग का भी देख लो एक बार। और आप दोनों फोन से कोई एक फोन लेने की सोच रहे हो, गेमिंग के लिए फोन ले रहे हो, तो आप पोको के साथ जा सकते हो। ये सैमसंग से बेस्ट है। ये नहीं है कि सैमसंग का फोन भी घटिया है, ये भी अपने स्थान पर बढ़िया है। अब आप खुद ही डिसाइड करो कि आप लोगों को दोनों फोन से कौन सा फोन लेना है। आप वही फोन लेना जो आपको पसंद हो, और कॉमेंट में जरूर बताना कि आपको कौन सा फोन पसंद आया।